हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज मैं एयर प्रेशर या एयर प्रेशर सेंसर के बारे में बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये हमारी IFB की वॉशिंग मशीन का प्रेशर स्विच है या वाटर सेंसर, कुछ भी कह लो, ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एयर प्रेशर जनरेट होता है, जब ड्रम में पानी भरता है तो हवा जनरेट होती है। तो इसके अंदर एक रबर लगी होती है, वह फूलता जाता है, वह कॉइल की तरफ जाता है। जब वह आगे पीछे होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ये फ्रीक्वेंसी PCB को कमांड देता है कि वह कितना फ्रीक्वेंसी रेंज करता है या घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें जो PCB को कमांड देता है उसमें एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो इसी पे यह प्रेशर स्विच काम करता है। तो इसमें जब हम ड्रम में पानी भरता है तो उसमें ऊपर नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर सीधा PCB को कमांड देती है, तो इसी पे यह काम करता है। तो इसमें हम आपको लगी हुई जब PCB हमारी ऑन हो, मशीन ऑन होती है, तब इस पर हम आपको वोल्टेज चेक कराएंगे कि इसके पिन में कितने वोल्टेज DC वोल्टेज आता है। तो इसी पे यह वीडियो है। तो अभी आपको हम प्रेशर स्विच के बारे में बताया कि इसमें 3 पिन हैं। जो बीच वाली पिन आप देख रहे हैं, बीच वाली पिन ग्राउंड होती है और 1 नंबर 3 नंबर पे इस पर हमारा वोल्ट आता है, वोल्ट DC वोल्ट आता है। तो इस पे जब हम चेक किए हैं तो इस पर जो हमारा वोल्टेज आया था 2.21। अगर हम 3 नंबर और 2 नंबर पे चेक करेंगे तो 2.21 वोल्टेज आएगा। तो अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर पे चेक करेंगे तो फिर 2.2 वोल्टेज इसमें आएगा। तो इसको इसी तरह चेक करना है। तो इसमें हमने 3 पिन बना रखा हूँ, 1 और 2 और 3, ये 3 पिन हैं। तो आपको मल्टीमीटर लेना है, उसको DC वोल्ट पे कर देना है, उसके बाद आप PCB को ऑन कर देंगे। जब PCB को ऑन करेंगे तो इसका जो कनेक्टर, इसमें 3 पिन में वॉशिंग मशीन का जो कनेक्टर लगता है, उस कनेक्टर को हल्का सा आप लूज कर लेंगे। जब हल्का से लूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा गैप बन जाएगा। गैप बनने के बाद आप अपना मल्टीमीटर या क्लैमीटर लेंगे, फिर वायर को, एक वायर 3 नंबर पे लगाना है और मल्टीमीटर जो दूसरा वायर होता है 2 नंबर पे लगाना है। तो उसमें जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 2.21। अगर 2.21 वोल्टेज आ रहा है तो समझो आपकी PCB सही है। फिर आपको दूसरे पॉइंट पे दूसरा और एक नंबर और 2 नंबर को चेक करना है, इस पर भी आपको 2.21 वोल्टेज शो करेगा। तो इस प्रकार से ये शो करेगा। अगर आप 3 नंबर 2 नंबर को वोल्टेज चेक करोगे, 3 नंबर और 1 नंबर को दोनों लगा के इसका वोल्टेज चेक करोगे तो 4.44 वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज एक हो जाएगा। तो 1 नंबर 3 नंबर चेक करोगे इसमें 4.44 वोल्टेज दिखाई देगा। तो अगर हम PCB, तो अगर वॉशिंग मशीन जब पानी लेना बंद कर देती है फिर आप उसकी वोल्टेज चेक करोगे 3 नंबर और 2 नंबर पे तो दिखाएगा 2.22, यानी कि 2.22 दिखाएगा। और फिर 1 नंबर और 2 नंबर पे जब इसकी वोल्टेज चेक करोगे तो 2.22 दिखाएगा। और अगर दोनों को 1 नंबर और 3 नंबर पे चेक करोगे तो 4.44 दिखाएगा, जब पानी नहीं लेगा स्विच। तो इसको आपको इस प्रकार से चेक करेंगे। तो इससे आपको ये पता हो जाएगा कि हमारी PCB सही है या नहीं सही है। तो अगर नहीं सही होगी तो इस पर जो वोल्ट जनरेट होगा DC
जो वोल्टेज इस पर आएगी वो नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी तो ये समझना है आपको कि आपकी पीसीबी ख़राब है। अगर यहाँ पे उतनी वोल्टेज आ रही है तो ये समझ लेना कि हमारा पीसीबी बिल्कुल सही है। तो अब हम आपको वीडियो बनाएंगे और फिर पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि यह कैसे होगा। अब हमारे पास एक क्लैंप मीटर है, हम वॉशिंग मशीन को खोलेंगे और कनेक्टर को थोड़ा निकालेंगे, फिर वीडियो चेक करेंगे और बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, तब आपको हो सकता हो कि समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमने चेक किया है। तो चेक करना बहुत साधारण है। अगर इसके कनेक्टर से निकाल दोगे, मान लो जो पिन लगी हैं तीनों, इसमें कनेक्टर लगा, अगर वो निकाल दोगे तो उसमें एप्रेस्टो स्टेज का इधर आ जाएगा। तो आपको पूरा नहीं निकालना है, इतना ही निकालना है कि जितनी जगह उसमें बची हो, कि हमारा जो तो प्रेशर स्विच कई बनावट होते हैं इनके, टू पिन की भी होती है और थ्री पिन की होती है। तो ये थ्री पिन का है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टू पिन और थ्री पिन का अंतर होता है, उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। तो मैं आपको बस इतना ही आज बताऊंगा कि हमें जो पीसीबी से हमारी जो सप्लाई आ रही है इस स्विच पे, तो वो कितनी आ रही है, हम उसको कैसे चेक करें, इसी पे यह वीडियो है। फिर जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे प्रेशर स्विच कैसे चेक होता है, कि इसको ख़राब और सही। फिलहाल चलते हैं, वॉशिंग मशीन खोलते हैं और प्रेशर स्विच पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके विस्तार से हम दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं ऊपर का कवर खोल दिया हूँ, ये प्रेशर स्विच लगा हुआ, या वाटर सेंसर कह दो, कुछ भी हम कहते हैं इसको, लेकिन ये प्रेशर स्विच सेंसर। अब देखो, इसको मैं हल्का सा निकाल रखा हूँ, पिन दिख रही तीनों, अगर तीनों पिन दिख रही है तो हम मल्टीमीटर का जो दोनों वायर हैं उसको हमें इन पर लगा के चेक करना है। तो हमारे पास क्लैंप मीटर है, हम क्लैंप मीटर मल्टी किसी भी पे इसको आपको चेक करना है, और यह ध्यान रहे कि मल्टीमीटर आपका डीसी वोल्ट में होना चाहिए। तो 20 वोल्ट पे ही हम चेक करेंगे, क्योंकि इसमें डीसी वोल्ट की सप्लाई आती है। तो फिर डीसी वोल्ट की सप्लाई आती है तो उसी पे हमें इसको चेक करना पड़ेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इस पिन को हम हल्का निकाल रखे हैं, ये हमारा क्लैंप मीटर है। अब इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में मल्टीमीटर, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। अब चलते हैं, हम इसे चेक करते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, हम इसको डीसी वोल्ट में कर रखे हैं। अब हम नंबर एक और नंबर दो की पिन पे वोल्टेज लगाया हूँ, तो देखिए 2.21, एक नंबर और दो नंबर पे लगा, एक नंबर तीन नंबर। अब हम लगाते हैं दो नंबर और तीन नंबर, दो नंबर तीन नंबर पे चेक करते हैं 2.21। अब हम एक नंबर और तीन नंबर पे लगाते हैं, एक नंबर और तीन नंबर, एक नंबर तीन पर हम लगाते हैं जिसका डीसी वोल्ट आता है 4.44, बिल्कुल सही हो गया। तो इसको हम इस प्रोग्राम में चेक कर रहे थे, ये हमारा फीलिंग मतलब पानी ले रहा था तब वॉशिंग मशीन पे पानी आ रहा था। अब इसको हम चेक करेंगे कि पानी जब वॉशिंग मशीन नहीं लेगा, जब वॉशिंग मशीन का पानी बंद हो जाता है, तब वो कितना इस पर वोल्टेज रहता है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि ये ड्रेनिंग ले रहा है, अब इसका पानी बंद हो गया है, तो इस पर हम चेक करेंगे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस समय पानी बंद है। तो अब हम पहले हम लगाते हैं पिन नंबर एक, थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेते हैं, गैप कम है। अब हम लगाते हैं एक
पिन नंबर एक और पिन नंबर एक और दो, पिन नंबर एक दो पे आ रहा हमारा 2.22। ठीक, अब हम फिर लगाते हैं, चलते हैं पिन नंबर एक और तीन, एक और तीन पे फिर लगाते हैं, सही नहीं लग रहा है अभी, फिर हाँ 2.23 या 2.2। अब हम लगाते हैं एक नंबर और तीन नंबर पे, एक नंबर तीन नंबर, जगह कम है इसीलिए सही नहीं बैठ रहा है हमारा पिन, एक नंबर और तीन नंबर पे लगाते हैं 4.45। तो ये हमारा चेक करने के बाद, जब पानी नहीं लेता वाशिंग मशीन तब ये वोल्टेज है। तो अगर यह वोल्टेज नहीं आता तो समझ लेना कि आपकी पीसीबी ख़राब है। तो वोल्टेज ना आना तो इसको आपको देखना पड़ेगा, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें भी दो कारण हो जाते हैं, वोल्टेज किस कारण से नहीं आ रहा है, वोल्टेज कटअप क्यों हो जा रहा, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको बिल्कुल समझा दिया हूँ कि हमारा जो वाटर सेंसर है, प्रेशर स्विच है, इस पर कितने वोल्ट की हमारी सप्लाई आती है। तो यह मैं आपको दिखाया हूँ, आपको बिल्कुल समझाया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जो इसका बीच वाला पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है, बीच वाले पॉइंट ग्राउंड होते हैं। तो अगली वीडियो बनाएंगे, प्रेशर स्विच खराब और सही कैसे होगा उसकी पहचान हम बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे।